अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड इमान। टुडेस टॉपिक इज एनिमल कम्युनिकेशन। आज हमने जो स्टडी करना है वो है एनिमल कम्युनिकेशन। एनिमल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स होंगे, उसमें विजुअल है, ऑडिटरी है, अकॉस्टिक है, और केमिकल कम्युनिकेशन है, और इन सब टर्म्स की जो डिटेल है और वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे विदाउट स्किपिंग। एंड आपने इसको फुल वॉच करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इंस्टा पे फॉलो कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन है इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स पड़ेंगे कम्युनिकेशन के, एनिमल्स आपस में कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। अब ये तो आपको पता है कि वो बोलते तो हैं, सही है। तो उसमें जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वेराइटी है इसमें एक इनके सिग्नल्स की, ठीक है, जिस तरह के वो सिग्नल्स एक दूसरे को पहुंचाते हैं। लाइक कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनिमल वन एनिमल टू द अदर एनिमल इन विच वी नीड द रिसीवर एंड द सेंडर, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक सेंडर होगा, एक रिसीवर जो भेजेगा, वो सेंडर है वो जो रिसीव करेगा वो रिसीवर होगा। विच आर म्यूचुअली अडॉप्टेड टू ईच अदर एंड द एनिमल एक्टिंग एज द सेंडर इज द एनिमल विच सेंड ए क्लियर सिग्नल टू द रिसीवर एंड द कम्युनिकेशन कैन अकर विद द विद इन द स्पीशीज और द बिटवीन द स्पीशीज। वही बहुत दोनों तरीके हैं कि या तो वो बिटवीन द स्पीशीज होगा विच इज इंटर स्पेसिफिक एंड विद इन द स्पीशीज विच इज इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। एनिमल में रिसीवर और सेंडर है। सेंडर अपना एक ऐसा मैसेज सेंड करेगा जो रिसीवर उसको रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इंट्रा स्पेसिफिक में हो सकती है जैसे रिप्रोडक्शन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए जो सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं मेटिंग एनिमल्स एक दूसरे के लिए उनको कहते हैं कि ये इंट्रा स्पेसिफिक लाइक इट्स बिटवीन द विद इन द स्पीशीज, सेम स्पीशीज जो है उसमें ही ये काम होगा एक स्पीशी के अंदर। और जो इंटर स्पेसिफिक है उसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं। और उसमें जो एग्जांपल्स हो सकती हैं उसके एग्जांपल में आपके पास वार्निंग सिग्नल्स आ सकते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स एक दूसरे को वार्निंग के सिग्नल देते हैं। जैसे रैटल स्नेक है एग्जाम्पल यहाँ पे, कि रैटल स्नेक अपनी जो टेल है उसको शटल करता है, मूव करता है, रैटलिंग परफॉर्म करता है, तो उससे क्या है उसकी जो है वो एक वार्निंग सिग्नल देता है कि यहाँ पे वो प्रेजेंट है और वो जो है वो प्रे को पता चल सकता है, ठीक है। एंड द स्किन प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स हिंड क्वार्टर्स मीन्स के उसके जो हिंड क्वार्टर्स है बैक साइड वाले रैटल स्नेक की टेल की बैक साइड वाले जो क्वार्टर्स है या पोर्शंस है उनकी जो मूवमेंट है वो बताएगी कि यहाँ पे रैटल स्नेक प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है। एनिमल यूज ए वैरायटी ऑफ द सिग्नल्स मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग मोडलिटीज विच इज़ यूज द कम्युनिकेशन सिग्नल्स के उनके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके जिसमें विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडिटरी, टेक्टाइल एंड केमिकल। अब विजुअल में है जो वो प्रोवाइड करेगा मीन्स के देखने के लिए लाइक कलरिंग है, उसमें कलर चेंजेस हो सकते हैं, इस तरह के सिग्नल्स है, मूवमेंट है वो, तो वो भी विजुअल है। ऑडिटरी वो है इस तरह के सिग्नल्स जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड टेक्टाइल जो उनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं कि वो मूव कर रहे हैं, कहीं पर स्लो मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा केमिकल सिग्नल्स है किस तरह के केमिकल जो है वो एनिमल्स रिलीज करते हैं। तो इस तरह की ये डिफरेंट टाइप्स है जो इनकी सिग्नल्स की हैं। दैट इज इन्फ्लुएंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो इसमें न्यूरल सिग्नलेशन है या न्यूरल नेचुरल सिलेक्शन है ये क्या करेगी कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेचुरल सिलेक्शन जो सिग्नल्स की प्रोडक्शन सिग्नल्स के लिए मीन्स कि किस तरह के सिग्नल जो है वो एनिमल प्रोड्यूस करेगा और कौन सा एनिमल है इस तरह इन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। विच इज़ इन्फ्लुएंसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल सिंथेसिस यानी किस तरह का सिग्नल प्रोड्यूस किया जाएगा, ये नेचुरल सिलेक्शन में आएगी। एंड एनिमल हैव इवॉल्व द कंटिन्यूअल इवॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिग्नल दैट मे बी मोर इफेक्टिव देन एनी वन सिग्नल। यानी इस तरह से है कि नेचुरल सिलेक्शन में यूँ भी हो सकता है कि सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन हो, टू थ्री टाइप्स के डिफरेंट सिग्नल हो, वो प्रोड्यूस किए जाएँ और उससे फिर रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाए इंस्टेड ऑफ जस्ट वन सिग्नल के। एक सिग्नल नहीं, उससे ज़्यादा सिग्नल हो सकते हैं, एक सिग्नल से ज़्यादा अगर कॉम्बिनेशन होगा सिग्नल का तो हो सकता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट टाइप इज द विजुअल सिग्नल्स, जो विजुअल कम्युनिकेशन है। फर्स्ट उसकी टाइप, उसमें क्या होगा, इज द इम्पोर्टेंट टू मैनी ऑफ द एनिमल्स बिकॉज ए
लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड इन ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, अब इसमें विजुअल में ये होता है कि छोटे से टाइम में, शॉर्ट टाइम में, बहुत कम अरसे में, सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में वो विजुअल सिग्नल प्रोवाइड कर दिया जाता है, एनिमल को पता चल जाता है कि हमें कैसा रिस्पॉन्स शो करना है। मोस्ट एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल सिफेलोपोड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स अदर देन द मैमल्स, यानी बहुत से वर्टिब्रेट्स हैं लेकिन उसमें मैमल्स इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अलावा सिफेलोपोड्स हैं, मोलस्क हैं, आर्थ्रोपोड्स दैट आर द वेल डेवलप्ड आईज हैव कलर विजन। ठीक है, जिनमें आईज हैं, जाहिर है जिसमें आई है वो देखेगा, तो अगर उनमें आईज प्रेजेंट हैं तो उनको विजुअल सिग्नल को अडॉप्ट करना, उसको रिस्पॉन्स करना बहुत ईजी है। मैनी फिशेज, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एग्जिबिट द ब्रिलियंट कलर सिग्नल्स। ठीक है, कलर पैटर्न प्रोवाइड करते हैं ये फिशेज और रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, डेट अंडर डेट ईयर यूजली हैव अ सिग्नलिंग फंक्शन, जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिग्नलिंग फंक्शन होगा। एंड द मोस्ट मैमल्स हैव द प्लेन डार्क कलर्स एंड द लेक द कलर विजन। अब बहुत से मैमल्स हैं जिसमें कलर विजन नहीं है, यानी डिफरेंट कलर्स को वो नहीं देख सकते, लेकिन वो डार्क एंड लाइट पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो बिकॉज दे आर द नॉक्टर्नल, क्योंकि वो नॉक्टर्नल होते हैं, इनमें कलर विजन नहीं होती, जैसे हम एक कैट की बात करते हैं, आउल की बात करते हैं, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, दे डोंट हैव कलर विजन, उनको वो कलर्स नहीं एनालाइज कर सकते, कलर नहीं देख सकते, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं सिर्फ। ठीक है, सो उनके लिए डार्क एंड लाइट कलर्स है, तो उसमें क्या होगा कि वो प्लेन एक सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, एज दे वर द प्रोबेबल एंसेस्टर्स ऑफ द नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस। ठीक है, जैसे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं, इंसेक्टिवोरस एनिमल्स जो हैं, जो इंसेक्ट ईटर्स हैं, उनके ही ये इंसेस्टर्स हैं। बिकॉज वो देखें, आप इंसेक्ट, आपने कलरफुल इंसेक्ट हैं बट बहुत कम है, तो उसलिए उस उनको कलर विजन की जरूरत भी नहीं है। सही है, नेक्स्ट इज द प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स आर आल्सो द नोटेबल एक्सेप्शंस इन दैट दे हैव बोथ द कलर विजन एंड द एंड द कलरफुल डिस्प्लेस। अब अगर हम दूसरी साइड पर जाएं जिनमें प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स ऐसे हैं कि वो कलर विजन खुद भी रखते हैं, यानी वो खुद भी कलर को एनालाइज कर सकते हैं, और इसी तरह बहुत से कलर डिस्प्लेस भी करते हैं, यानी वो बहुत से कलर प्रेजेंटेशन या सिग्नल्स भी देते हैं अपने कलर्स को चेंज करके। ठीक है, आर विजुअल सिग्नल्स मे बी एब्सेंट ऑल द टाइम, एज आर द ब्राइट ब्राइट फर्टल मार्किंग ऑफ ए मेल मॉड्रिल। अच्छा, अब उन्होंने मैंड्रिल, उन्होंने ये कहा है कि ये भी हो सकता है कि जो कलर सिग्नल है वो हर टाइम विजुअल नहीं रहेंगे, वो एब्सेंट रहेंगे या वो विजुअल नहीं रहते हैं, लेकिन एट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, द सिग्नल्स मे बी हिडन, उनको छुपा लिया जाता है, दे आर लोकेटेड ऑन एट लीस्ट एस्पेक्टेड पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी, उसको छुपाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स एनिमल्स बॉडी में, देन दे आर सडनली प्रेजेंटेड, और अचानक से फिर उसको जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है। सम लिजर्ड्स सच एज द ग्रीन एनोल्स, अब ये लिजर्ड्स की टाइप है जिसमें ग्रीन एनोल्स हैं, कैट्स हैं, दे आर एक्चुअली चार्ज देयर कलर थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ द पिगमेंट सेल्स इन द स्किन। ठीक है, अब जो कैट है और साथ में लिजर्ड्स हैं जिसमें ग्रीन एंड ऑल्स जो है वो क्या करते हैं, वो अपने कलर सिग्नल्स को चार्ज करते हैं अपनी स्किन के थ्रू। ठीक है, ये जो बास्किंग करती है ना कैट्स और लिजर्ड्स, ये धूप में आके जो बैठती हैं, ये अपने पिगमेंट सेल्स की वजह से अपने जो कलर सिग्नल्स हैं उनको क्या करती हैं, उनको उनको वो करती हैं, उनको पॉलिश करती हैं, उनको चार्ज करती हैं। ठीक है, विजुअल सिग्नल्स हैव देन हैड वन डिसएडवांटेज, दैट इज वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरमेंट मे लुक लाइक देम। तो इसमें ये होता है कि विजुअल सिग्नल का एक जो नुकसान है वो क्या है, उनकी सेम साइट सेम कलर हो सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका कलर मैच हो सकता है, और उसके अलावा डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, ऑल अदर एनिमल्स भी उसको देख सकते हैं। सो इट्स डिफिकल्ट टू सी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है फिर उस पर ये जो है विजुअल सिग्नल इतना काम नहीं कर सकता। ठीक है, एंड ऑल्सो द सिग्नल्स मे बी डिफिकल्ट टू सी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एंड इट ऑल्सो द सिग्नल्स आर यूजली नॉट इफेक्टिव एट नाइट एंड मे बी डिटेक्टेड बाई द प्रीडेटर्स। ठीक है, तो फिर इसका नुकसान एक ये भी होता है कि नाइट में इसको विजुअल सिग्नल को जो है वो उसको एनालाइज करना या उसको देखना या समझना कि क्या ये वही सिग्नल है, वो एनिमल के लिए डिफरेंट हो जाता है एट नाइट। ठीक है, और उसके अलावा ये भी है कि हो सकता है इस सिग्नल की वजह से प्रीडेटर को भी पता चल जाए कि ये एनिमल यहाँ पे है। ठीक है, तो वो भी प्रे के लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह इसके एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन साथ में जाहिर है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट इज द एकॉस्टिक कम्युनिकेशन। अच्छा, एकॉस्टिक कम्युनिकेशन में क्या है, एनिमल्स एंड द वर्टिब्रेट्स दे आर
कॉमनली यूज था एकॉस्टिक और द साउंड कम्युनिकेशन. ठीक है, एकॉस्टिक कम्युनिकेशन जो है विच इज रिलेटेड टू द साउंड. ठीक है, साउंड है इस तरह के, वो डिफरेंट साउंड जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है. जब डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं तो एनिमल्स को इस चीज़ का आइडिया होता है कि ये साउंड किसके लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है. ठीक है, और वो किस चीज़ के लिए हमें बताया जा रहा है कि हमने कैसा रिस्पॉन्स शो करना है. ठीक है, तो ये साउंड कम्युनिकेशन की जाती है, विच इज द एनिमल्स दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड दे मस्ट एक्सटेंड द एनर्जी, दे एक्सपेंड द एनर्जी टू प्रोड्यूस द साउंड. दे एनर्जी भी उन्हें प्रोड्यूस करनी है. दे एडवांटेज ऑफ द वेल्पिंग अराउंड दी ऑब्जेक्ट्स एंड दी दे मे बी प्रोड्यूस्ड एट दी लॉन्ग डिस्टेंस. अब इसमें ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, उसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैचिंग है या कुछ इस तरह से. ठीक है, रिसीव्ड व्हाइल एन एनिमल इज इन दी इज कॉन्सील्ड, ओपन और कॉन्सील्ड. इसका फिर ये एक फायदा और भी होता है कि एनिमल छुपा भी हो तो फिर उस टाइम भी ये साउंड सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, साउंड सिग्नल्स कैरी द लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दी मेनी पॉसिबल वेरिएशंस इन द फ्रीक्वेंसीज एंड ड्यूरेशन एंड द वॉल्यूम एंड द टोन. ठीक है, अब साइंस सिग्नल साउंड सिग्नल है उसमें डिफरेंट वेरिएशन है, उसमें टोन में डिफरेंस है, उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है. तो डिफरेंट वेरिएशन की वजह से ऐसे होता है कि वो हर तरह के वेराइटी ऑफ सिग्नल सेंड किए जा सकते हैं. ठीक है, एकॉस्टिक कम्युनिकेशन कैन सी क्लोजली अडॉप्टेड टू द इन्वायरमेंट एंड द कंडीशंस एंड इन विच दैट दे आर यूज्ड. ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे एकॉस्टिक सिग्नल्स एंड देयर फंक्शंस इज ऑफ द सिग्नल्स. एंड फॉर एग्जांपल द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बर्ड्स, ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बर्ड्स हैं, दे प्रोड्यूसेस द लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स दैट पास इजीली ऑल थ्रू द डेंस वेजिटेशन. इतनी लो फ्रीक्वेंसी की वो कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो डेंस वेजिटेशन में से भी गुजर जाती है, यानी बहुत ज्यादा वेजिटेशन हो या प्लांट्स हैं या कुछ भी, तो वो गुजर जाएगी. इन मेनी ऑफ द प्राइमेट्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस द साउंड्स दैट ट्रैवल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. फिर प्राइमेट्स कुछ ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी पहुंच सकते हैं. ओके, अदर एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द कैट्स ऑफ द टेरिटोरियल बर्ड्स दैट कॉल्स ऑफ द टेरिटोरियल बर्ड्स दैट सिट इन अ हाई पिच टू डिलीवर द सिग्नल्स मोर इफेक्टिवली एंड दे आर फ्लैग्स एकॉस्टिक सिग्नल्स दैट हैव बीन स्टडीड विद बर्ड्स. यानी बर्ड्स में भी बहुत ज्यादा इस तरह के जो है हाई पिच के सिग्नल्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको डिलीवर किया जाता है फॉर द स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स एंड सम ऑफ देम आर द मोर मोर कॉमनली स्टडीड. और इनमें से बहुत ज्यादा जो है उनको स्टडी भी किया जा सकता है कि किस तरह से वो स्पीच प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो बर्ड्स में मोस्टली ये एकॉस्टिक सिग्नल्स का काम है. उसके बाद आते हैं हमारे पास टेक्टाइल सिग्नल्स. टेक्टाइल कम्युनिकेशन में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि टेक्टाइल कम्युनिकेशन जो है वो मूवमेंट के साथ उसका कनेक्शन है. टेक्टाइल कम्युनिकेशन रेफर टू डेट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द एनिमल्स इन द फिजिकल कॉन्टेक्ट. ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्ट विच ईच अदर एंड द एंटीना ऑफ द मेनी ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स के जो एंटीना है उसका बहुत इसमें काम है एंड द रिसेप्टर सच एज रेप्टाइल्स इन द स्किन ऑफ द वर्टिब्रेट. ठीक है, रेप्टाइल्स की वर्टिब्रेट्स की स्किन में और उसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स अगर हम देखें तो उसमें एंटीना में ये टेक्टाइल कम्युनिकेशन के रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, फंक्शन इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन विच सी द फिगर एंड द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द टेक्टाइल कम्युनिकेशन आर द बर्ड्स प्रीनिंग. ठीक है, बर्ड्स की जो प्रीनिंग है दे फॉर द फीदर्स ऑफ द अदर बर्ड्स एंड प्राइमेट्स ग्रूम ईच इन ईच अदर. अच्छा, अब बर्ड्स की जो प्रीनिंग है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है जिसमें वो क्या करते हैं अपने फीदर्स को, दैट दे आर द प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ द अदर ऑफ द अदर एनिमल्स. अच्छा, अब इसमें यूँ होगा कि जो प्रीनिंग की जाती है, प्रीनिंग से ये होता है कि जो फीडर्स उसकी ऐसी मूवमेंट होती है, उन्होंने अपने जो फीडर्स हैं उनको मूव करते हैं, उसमें से बर्ड्स का जो साथ में श्रेडिंग भी है. ठीक है, उनका जो गिरना भी है. ठीक है, जो फीडर्स गिर जाते हैं आपने देखे होंगे, शाइनिंग होती है उसमें, शाइनिंग का प्रोसीजर होता है बर्ड्स में. प्रीनिंग का मीनिंग ये है कि उसमें शाइनिंग आती है फीडर्स में. ठीक है, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करता है. उसके अलावा ग्रूमिंग, ग्रूमिंग करते हैं जो प्राइमेट्स हैं वो भी इसी तरह अपने एक दूसरे की जो है वो ग्रूमिंग करते हैं और इस तरह से ये टेक्टाइल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं.
अब केमिकल कम्युनिकेशन में आपको पता है कि जस्ट कुछ केमिकल्स का रिलीज होगा, उसमें उसकी स्मेल भी आ सकती है, उसको किसी भी तरह से एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। केमिकल कम्युनिकेशन इज एन अदर कॉमन मोड ऑफ द कम्युनिकेशन जिसमें केमिकल्स को रिलीज किया जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल विद दी थर्मो रिसेप्टर, जिनके पास थर्मो रिसेप्टर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसमें कैन रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन द टेम्परेचर, ठीक है। वो टेम्परेचर के चेंजेस जो है उनको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज एंड केमिकल सिग्नल्स आर वेल डेवलप्ड इन द फिशेज, फिश, इंसेक्ट्स, सेलमेंडर्स एंड विच इज मैमल्स, ठीक है। इनमें केमिकल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। एडवांटेजेस ऑफ द केमिकल कम्युनिकेशन इज दैट दे आर द यूजली प्रोवाइड अ सिंपल, ठीक है। इसमें जो है सिंपल सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, मैसेज दैट कैन लास्ट फॉर द आवर्स, इतना ज्यादा है कि वो आवर्स और डेज तक भी ये सिग्नल जो है वो रहता है। एंड आर इफेक्टिव एट नाइट, नाइट में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड कैन पास थ्रू दी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में से पास कर सकता है इजीली। एंड दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अलोंग अ लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी पहुंचाया जा सकता है केमिकल सिग्नल्स। एंड कैन रिलेटिवली लिटिल एनर्जी इज प्रोड्यूस, और उसमें एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। Disadvantages of the chemical signals are that they cannot be changed. उनको चेंज नहीं किया जा सकता। एक दफा प्रोड्यूस हो गए, एक दफा एक केमिकल बन गया, अब उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। उसने जो सिग्नल देना है उसका वही सिग्नल रहेगा, किसी भी तरह का कोई चेंज उसमें नहीं किया जा सकता। वेराइटीज ऑफ द केमिकल सिग्नल्स आर दैट कैन नॉट बी चेंज, बहुत ज्यादा सिग्नल्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। दे आर क्विकली एंड आर स्लो टू एक्ट, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा जल्दी उनको चेंजेस नहीं उसमें ला सकते, और उसके अलावा उसका जो एक्शन है वो एक्ट उसका जो करने का रिस्पॉन्स शो करने का प्रोसीजर वो भी थोड़ा स्लो होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। केमिकल सिग्नल्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एंड दे आर इफेक्ट द बिहेवियर आउटपुट और ऑफ द एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड द फेरोमोन्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फेरोमोन्स की, कि एक केमिकल सिग्नल है या एक केमिकल है जो एक एनिमल में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसका असर या फिर उसका रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होगा वो किसी दूसरे एनिमल से प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। ये वही एनिमल उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फेरोमोन है। उसके बाद है ऑक्सीडेटरी रिसेप्टर्स, olfactory receptors in the receiving the animal usually they detect the chemical signal, जिनके पास olfactory receptors हैं वो chemical signals को receive करते हैं। and many animals mark their territories by detecting the chemical signals, बहुत से animals जो हैं वो अपनी territories को इस तरह से bound करते हैं, कुछ ऐसे chemicals release कर देते हैं कि दूसरे जानवर को पता चल जाता है कि यहाँ पे ये जानवर पहले present है, ठीक है। and many animals tag their दे आर प्रोड्यूसिंग दी लाइक दी अडर्स, उसमें कुछ स्मेल भी होती है ऐसी कि जो पता चल जाता है कि यहाँ पे इस एनिमल का ये केमिकल जो है वो रिलीज कर दिया गया, तो ऑफकोर्स ये उसकी ही टेरिटरी होगी, ठीक है। वो सेम स्पीशीज में मोस्टली ये केस होता है। फॉर एग्जाम्पल कैट्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक मेल मैमल्स की एग्जाम्पल है। मेल मैमल्स मार्क द स्पेसिफिक टेरिटरी इन द points in their territories and with the pheromones and that were up to the other males, तो दूसरे males को पता चल जाता है कि यहाँ पे पहले ही एक male present है इस area में। So the same pheromones may also be attract the females that are in breeding condition, और इसके अलावा उसका ये फायदा भी होता है कि जो दूसरी females हैं जो breeding condition में present है उस time पे, तो वो जब उस chemical को analyze करती हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे ये male जो है वो present है, ठीक है। तो वो फिर attraction के लिए important है। Differences in the chemical structure of the pheromones may be discussed. अब उसमें ये भी है कि differences जो है वो chemical structure में हो सकते हैं, it's related to the फंक्शन, उनके फंक्शन के साथ है। फेरोमोन्स दैट मार्किंग फॉर मार्किंग ऑफ द टेरिटरी एंड द अट्रैक्टिंग द मेल्स यूजुअली लास्ट लॉन्गर बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन एंड देयर हायर मॉलिक्यूलर वेट। अब जो फेरोमोन्स चाहिए, एक तो टेरिटरी के लिए यानी जो टेरिटरी मार्किंग के लिए एनिमल्स यूज करते हैं वो फेरोमोन्स, और उसके अलावा जो ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है फेरोमोन्स, ठीक है, टू अट्रैक्ट द फीमेल। ये फेरोमोन्स हैं वो ये दे लास्ट लॉन्गर मीन्स कि वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे मौजूद रहते हैं किसी भी एरिया में, वो इसलिए क्योंकि उनका मॉलिकुलर वेट भी ज़्यादा है, तो उनका स्ट्रक्चर जो है उनके फंक्शन के साथ ही रिलेट करता है। एंड अदर सिग्नल हैव द जो और भी एयर बॉर्न सिग्नल्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं जो हवा में ही रहते हैं, दे हैव द मॉलिकुलर वेट लेस एंड दे डिस्पर्स इजीली, क्योंकि वो हवा में रहते हैं उनका मॉलिकुलर वेट भी कम है और वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेक्स अट्रैक्शन
phenomena of the female moths who are ready to mate with the other. अच्छा, अब ये होता है कि एयरबोर्न सिग्नल, जैसे एक मॉथ मॉथ है, मॉथ्स के जो एयर बोर्न सिग्नल्स है वो हवा में रहते हैं, द मेल्स सेवरल किलोमीटर्स अवे कैन डिटेक्ट, बहुत सेवरल किलोमीटर अवे भी अगर वो मेल होगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, तो इस तरह से ये ऑल टाइप्स जो है वो आज के लिए थी कम्युनिकेशन की, कि किस तरह से सिग्नल प्रोड्यूस किए जाते हैं और किस तरह उन सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है. आई होप कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.